तुम सब पढ़े लिखे लोग मिलके ही गुड़ का गोबर कर दी। देखो भाई, हम गंवार जरूर हैं, पर इतना तो हम समझत हैं कि नशा करवा के कोई कौनू का फायदा उठाए ले तो वो गलत है। हाँ, फिर चाहे मर्द हो चाहे लुगाई हो, गलत तो गलत है, और जो गलत है उनका सजा मिले चाहिए बस। ये क्या बोल रही हैं? अरे हम लोग ये क्यों भूल रहे हैं कि बालिनी अब भी आदि की पत्नी है। बंद दरवाजे के पीछे क्या हुआ था ये किसे पता है? और बेचारी मालिनी वो भी तो नशे में थी ना, तो अब ये केस अगर आदि पर उल्टा पड़ गया तो? जब वो पुलिस इंस्पेक्टर जो मालिनी को गिरफ्तार करने के लिए आया था उसे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था, तो कौन सा कोर्ट मानेगा ये बात कि मालिनी ने आदि के? ये सब तुम्हारा किया था रहा? तुम्हारी चाल है ये? मालिनी से इस कदर नफरत करती हो कि उसे आदि की जिंदगी से निकालने के लिए तुम इस हद तक गिर गई? आदि कुछ समझा, इसे बोल आदि। चलो हमारे साथ। बाबू साहब क्या कर रहे हैं? इमली हम कह रहे हैं ना, चलो हमारे साथ तो चलो। ये हमका नहीं जाए क्या? सित मत करो और चलो हमारे साथ। रुकिए, कहाँ ले जाए के चाहते हैं? पुलिस स्टेशन। तुम अपना केस वापस दे रही हो अभी के अभी। मिस्टर देसाई, मालिनी की बेल कराने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, लेकिन अब हमें आगे क्या करना होगा? डोंट वरी अनु, वैसे भी इस केस का कुछ होने वाला नहीं है। अरे आप लोग खुद सोचिए कि एक आदमी कैसे सबके सामने जाकर के बताएगा कि एक औरत ने उसके साथ फोर्स किया। देख लेना, वो लोग खुद केस वापस ले लेंगे। नहीं, हम ये केस वापस नहीं लिए। मारी भी तुम्हारी बहन है इमली, तुम्हें तुम्हारा हक दिलाने के लिए वो अपने माँ बाप से भी लड़ गई थी। एक छोटे रिश्ते की कहानी बनाई ताकि तुम हमारे पास रह पाओ। तुम्हें तुम्हारी पढ़ाई में कितनी मदद की है उन्होंने, ये सब तुम भूल गई। उन पर इतना बड़ा इल्जाम लगाने के लिए तुम्हारे पास जो सबूत है वो काफी नहीं है क्या? इस इल्जाम में थोड़ी सी भी सच्चाई है? दे व्हाट आर यू आस्किंग? मालूम, मुझे नहीं पता ये केस कोर्ट तक जाएगा या नहीं, लेकिन तुम्हारा पापा होने के अधिकार से मुझे सच जानना है। इमली जो कह रही थी क्या वो सच है? आप मेरे पापा है ना, तो फिर मुझसे ये कैसे पूछ सकते हैं? देव आदित्य मालिनी का हस्बैंड है, और ऐसा हुआ ही क्या है जो पति पत्नी के बीच नहीं होता? आदित्य और मालिनी सिर्फ कागज पर पति पत्नी है, वो भी इसलिए क्योंकि मालिनी ने डिवोर्स देने से इनकार कर दिया। जब आदित्य मालू को पत्नी मानता ही नहीं है तो फिर उनके बीच में जो कुछ भी हुआ वो सच कैसे हो सकता है? देव, आई जस्ट डोंट नो हाउ टू मेक यू अंडरस्टैंड। देन जस्ट कीप क्वाइट। मालू, मैं फिर से पूछ रहा हूं, उस रात जो कुछ भी हुआ क्या उसमें आदित्य की मर्जी थी? कोई भी स्टोरी छापने से पहले हम कहानी की तह तक पहुंचते हैं, सारे पहलुओं की जांच पड़ताल करते हैं, ठोस सबूत इकट्ठा करते हैं, और जब हमारा केस पूरी तरह से मजबूत हो जाए उसके बाद वो स्टोरी छापी जाती है ताकि कोई हम पर उंगली ना उठा पाए। और तुम्हारे पास सिर्फ साड़ी का एक जला हुआ टुकड़ा है जो तुम्हारी साड़ी से मेल खाता है, और इस बिना पर जाकर तुमने FIR दर्ज कर दी। FIR दर्ज करना बहुत बड़ी बात होती है इमली। मालिनी कह रही है कि उस रात वो भी नशे में थी, और अगर वो सच कह रही है तो उस रात हम दोनों गलत थे।
लेकिन उसकी जिम्मेदारी हमें ही उठानी पड़ेगी। काहे? सिर्फ ये से कि आप मर्द हैं? बाबू साहब, दुनिया में औरतों के साथ बहुत गलत होता है, बहुत बुरा होता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि कौन औरत बुरा नहीं कर सकत है। औरत भी बुरा कर सकत है। देखो, जानते हैं तुम ये सब हमें बचाने के लिए कर रही हो। नहीं बाबू साहब, अगर आप मालिनी दीदी के साथ जबरदस्ती किए होते तो हम आपको भी कोर्ट लेके जाते। अपराध ये घर में हुआ है और हम सिर्फ अपराधी को सजा दिलाए के चाहते हैं बस। देव, कोर्ट तक जाके भी इस केस का कुछ होने वाला नहीं। उस लड़की की बात माननी तो दूर, कोई उसकी बात सुनेगा भी नहीं। तुम फिर से हमारी बात नहीं सुनोगी ना? अरे, अपराधी को सजा दिलाने के लिए ठोस सब हम जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं तुम नहीं समझोगी, राइट? आदित्य के सपोर्ट के बिना भी ये केस रफा दफा हो सकता है, और मालिनी तुम पर आंच भी नहीं आएगी। मालिनी दीदी को सजा हुई है, चाहे आप साथ दें या ना दें, हम अकेले भी कोर्ट में साबित कर सकते हैं कि वो गलत है। अभी बात का फैसला तो कचहरी में ही हुई है। अरे, कहाँ हुई गए? हाय, ए रुपया, तनी छन्नू हलवाई की यहाँ से गर्मा गर्म समोसा और जलेबी मंगा लियो। अरे, ताकि इन लोग के चेहरे पे जो मुर्दान की छाई है वो उड़ जाए, रंग आ जाए कचू। अरे भैया, आज तो दावत होए के चाहिए। पूछो काहे? काहे से कि आज ई घर से जुर्म करे वाले का कलिनी साया, हमरा मतलब काला साया जो निकल गवा है। आपको मजाक सूझ रहा है? आपको अंदाजा भी है कि इमली की वजह से हम लोग कितनी मुसीबत में पड़ गए? मन कर रहा है कि चुल्लू भर पानी में डूब मरे। आए हाय, तुम खाए डूब मरो? आए, डूबे तुम्हारे दुश्मन बेटवा। अरे शरम तो ऊ का आए के चाहिए जौन अपराध की साए। अरे भाई, पुलिस कौनो निर्दोष को थोड़ी लेके जाते है, जरूर कलिनी कछु किए साए। मालिनी ने कुछ गलत नहीं किया। पति पत्नी है आदि और मालिनी अमरी, जो भी हुआ होगा वो दोनों की मर्जी से हुआ होगा। तो आपसे वैसे अज्यूम कर रही है चाची, अगर बात इतनी आगे बढ़ी है तो कानून को डिसाइड कर लेने दो। बेटा, सॉरी, तुम ठीक हो ना? रोम, बहुत परेशानी हुई होगी ना? अब जेल से बाहर कैसे नहीं? केस झूठा हो तो बेल मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब चुपचाप इस FIR को वापस ले लें। मिसेस त्रिपाठी, मैं ये बात बहुत आराम से कर रही हूँ, लेकिन अगर ये लड़की ऐसे ही मेरी बेटी को अटैक करती रही तो अगला वार मैं आपके बेटे पर करूंगी। बहुत प्राउड फील करते हैं ना आप लोग कि पैसे नहीं कमाए हैं लेकिन बहुत इज्जत कमाई है, तो फिर उसी इज्जत को पैसे की तरह खर्च होकर खत्म होते हुए देखेंगे आप लोग।
अनुजी, हम खुद नहीं चाहते कि ये केस आगे बढ़े। अब ये ढीठ किसी की सुनी नहीं रही है। आदित्य के कहने पे भी इसने केस वापस नहीं लिया। पता नहीं ये क्या चाहती है। मालिनी, एक तो वो रात ही गलत थी और ऊपर से आपको जेल जाना पड़ा। हम सोच भी नहीं सकते आप पर क्या बीत रही है। I'm really sorry. आप सॉरी मत कहिए आदित्य, गलती आपकी नहीं है। बेटा, यहाँ किसी की गलती नहीं है, गलती तो सिर्फ इस नौकरानी की है। आंखें खोलकर देख लड़की, जिसके बिहाफ पे तूने ये FIR किया था वो भी तुझे सपोर्ट नहीं कर रहा है। अब तेरा ये ड्रामा ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुझे तो कोई लॉयर भी नहीं मिलेगा। What happened? बिल्कुल सही कहा ना मैंने, बहुत कोशिश की होगी तूने, नहीं मिला ना कोई लॉयर। बिल्कुल सही कह रही हैं मिसेस चतुर्वेदी। लेकिन आखिरकार इमली को वकील मिल ही गया। जी हाँ, मैं लड़ूंगा इमली का केस, मैं लड़ूंगा इमली का केस, मैं लड़ूंगा इमली का केस। हाँ, ये बात सच है कि आमतौर पर एक औरत एक आदमी के ऊपर ऐसा इल्जाम नहीं लगाती है, लेकिन जो आमतौर पर हो हमेशा वही हो ये जरूरी नहीं है। कानूनी हिसाब से दो लोगों के बीच में एक फिजिकल रिलेशनशिप में जो चीज सबसे ज्यादा मैटर करती है वो होता है कंसेंट, यानी रजामंदी। चाहे रिश्ता एक दिन का हो या सालों का हो, अगर रजामंदी से जुड़ा हुआ है तो कोर्ट दखल नहीं देता है। लेकिन इस केस में एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को नशा करवाकर उससे रिश्ता बनाने की कोशिश करी है, जो गलत है क्योंकि दूसरी पार्टी रजामंदी देने की हालत में ही नहीं थी। और अगर मालिनी ने सचमुच में ऐसा किया है तो उसने एक्चुअली में आदित्य का फायदा उठाया है, और अगर ये बात कोर्ट में प्रूव हो गई तो जज 110% मालिनी को गिल्टी मानेंगे। आप जैसा होनहार वकील तभी केस उठाता है जब उसे उसकी वैलिडिटी पे पूरा भरोसा हो। किसी ठोस सबूत के आपने ये बात कैसे मान ली कि मालिनी ऐसा कुछ कर सकती है? आप तो उन्हें अच्छी तरह से जानते हैं। आदित्य, मैं मालिनी को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं, इसलिए मैंने केस उठाया। एंड आई होप ये निर्दोष हो, लेकिन अगर ये गिल्टी निकली तो इन्हें सजा दिलवाना मेरी ड्यूटी बनती है। रहने दीजिए आदित्य, जब मेरी अपनी बहन मुझ पर झूठा केस डालकर मुझे जेल पहुंचा सकती है तो मैं औरों से क्या उम्मीद कर सकती हूँ। मैं इसलिए आप लोगों से मिलना चाहता था, इस केस में मुझे आपकी हेल्प चाहिए। क्या आप सब लोग मुझे एक एक करके बता सकते हैं कि उस रात को क्या हुआ था? तुम्हें जो करना है ना कर लो, लेकिन इस परिवार का कोई भी तुम्हारी किसी तरह की मदद नहीं करेगा।
आप लोग सब अंदर चलिए चलिए। रूपी तू सबसे पहले तू अंदर चल, चल अंदर। पंकज तू भी अंदर आ। आदित्य इंसाफ के लिए नहीं तो कम से कम इमली के लिए रुक जाइए। उस रात सबसे बड़ा गुनाह हमसे हुआ है कुणाल, हमने अपनी पत्नी के साथ धोखा किया और हम अपने जुर्म का इल्जाम किसी और पर नहीं डाल सकते हैं। अगर आप अपनी गलती मान रहे हैं तो आप ही मुझे सब कुछ बता दीजिए। बताइए उस रात को क्या हुआ था। अगर आप मुझे सब कुछ सच सच बोलेंगे तो मैं ये केस अभी छोड़ दूंगा। आदित्य हमें कुछ भी याद नहीं है। जब आपको ही कुछ याद नहीं है तो आप इमली को गलत कैसे मान सकते हैं। हम कुछ समझ नहीं पा रहे। इस केस में एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को नशा करवाकर उससे रिश्ता बनाने की कोशिश करी है। अगर मालिनी ने सचमुच में ऐसा किया है तो जज 110% मालिनी को गिल्टी मानेंगे। मैं अब तक सीरियसली नहीं ले रही थी लेकिन इमली तो कुणाल को लेके आई। अगर कुणाल ने प्रूफ कर दिया कि मैंने तो क्या मैं सच में जेल। व्हाट नॉनसेंस, तुम कोई जेल वेल नहीं जाओगी। और वो नौकरानी कुणाल को क्या, इंडिया के किसी भी टॉप लॉयर को ले आए ना तो इस केस को प्रूव नहीं कर सकती। पर कुणाल बहुत अच्छे लॉयर है। वो सो है तो वो वकील ही ना, सबूत के बिना बेटा वो कुछ भी नहीं कर सकता। जस्ट रिलैक्स बेटा, तुम सिर्फ आदित्य पर फोकस करो। तुमने देखा नहीं कैसे इमली के खिलाफ जाकर वो तुम्हें डिफेंड कर रहा था। उस लड़की ने ये केस फाइल करके खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। आदित्य की फैमिली तो उसके साथ थी ही नहीं, बहुत जल्द आदित्य भी उसके साथ नहीं होगा। उस नौकरानी को आइडिया भी नहीं है कि उसने खुद के लिए कितनी बड़ी मुश्किल खड़ी कर ली है। रिलैक्स, डोंट वरी। हिमली आगे की लड़ाई बहुत मुश्किल होगी। पॉइंट नंबर वन, आदित्य तुम्हारा सपोर्ट नहीं करते। पॉइंट नंबर टू, हम मालिनी के खिलाफ जो भी केस बिल्ड करेंगे मिसेस चतुर्वेदी उसको डिस्ट्रॉय करने की पूरी कोशिश करेंगी। लेकिन मैं कोई केस इसलिए नहीं उठाता कि वो आसान है, मैं इसलिए उठाता हूं क्योंकि वो सही है। और अगर तुम रेडी हो तो मैं भी तुम्हारे साथ ये लड़ाई लड़ने के लिए रेडी हूं। केसी जी, हम आपको घर गृहस्थी की बातों में नहीं लाए के चाहते हैं। बस इतना ही कहिए कि मालिनी दीदी आज तक बहुत कुछ की ही है और हम सब कुछ नजरअंदाज करते हैं। ये बार वो बहुत गलत है, ये अपराध है। लेकिन कोर्ट इसे तब तक अपराध या क्राइम नहीं मानेगा जब तक हम सबूत देकर उसे प्रूफ ना कर दें। और सच कहूं तो हमारे जीतने के चांसेस थोड़े कम हैं। बात जीते की नहीं है, बात हमारे पति के सम्मान की है, इंसाफ की है। और सिर्फ हार के डर से हम इंसाफ पाए की कोशिश से मुंह मोड़ लें, इतने कमजोर नहीं है। हम हार नहीं मानी है, हम लड़ी हैं। इमलिया, हम तो तोरे साथ हो पर तू जी के खातिर लड़े के चाहत है, वही तोरे दुश्मन बन जाइए तो तू का करिए। माँ हम कभी समझ नहीं आया था कि ये केस करे के बाद हम का करें। हर किसी जी हमको हौसला दिलाए कि हमारे साथ दी है, सच का साथ दी। तू तो कह रहे कि केसी जी मालिनी जी को पसंद कर रहा था और वो तो तोरे वकील है, तो कहूँ मालिनी जी के खिलाफ जा पाई है।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।